दोनों के पांव कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी को शर्म नहीं आती है हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं खुद को कितना कोई हलाली समझते हैं ना सूद खाने वाले लोग। यू नो बताई क्यों, बताओगी? अब तुम चुप क्यों बैठी हो जुबिया, अब बताओ हम क्या करें? उन्होंने साफ साफ कहा है कि अम्मा अब्बा निर्मा के साथ 15 लाख रुपए और जेवर लेकर आ जाए उनके पास। हाय अल्लाह, कितने झूठे हैं! अम्मा ने तो मुझे खुद कहा था, अब मैं देखती हूँ कि तुम 15 लाख रुपए किधर से लेकर आती हो। और पता नहीं कितनी बातें जो अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं है। सुबिया भाभी और उनकी बहन के पता नहीं कौन कौन से किस्से हैं जो मुझे बताती रहती थी वो। और पता है अम्मा बाकू क्या कहती है? लालची कहती है, लालची। बकवास बंद कर और मुझे ये बता 15 लाख और जेवर है कहाँ? हमारी बेटी का यहाँ पे घर उजड़ रहा है, वो बर्बाद हो रही है, और तुम मेरे खिलाफ इन सबके सामने अदालत खड़ी कर रही हो? ऊपर है मेरा कमरा, जाओ सामान भी ऊपर है, ले लो तलाशी, अगर कुछ मिले ना तो मुझे भी दे देना। तलाक का दाग लग गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। इसकी वापसी मुश्किल है, अब दिल में खोट है उनके, और इतनी सारी बातों के बाद कोई वजह भी नहीं बनती। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन एक मशवरा दूंगी, अगर आप लोग मान लें तो थोड़ा इंतजार कर लें, हो सकता है उनको एहसास हो जाए। अरे कोई एहसास नहीं होना उनको, फैसला किए बैठे हैं वो लोग, सुना नहीं तुमने क्या कह रही है वो? ज़ोबिया ठीक कह रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों अब्बा, मेरा हक है, मैंने अपने निकाह में लिखवाया था, ये मेरा हक है, तलाक लेने का हक है मेरा। बस बनकर अपने मुंह से ये मनहूस लफ्ज ना निकाल, तलाक का। क्यों? वो अब्बा को जलील कर रहे हैं, तुम्हें अम्मा जलील कर रहे हैं, हमारे इस घर को जलील कर रहे हैं, और हम ये भी ना करें? अरे ये जिल्लत उस जिल्लत से कम है जो तलाक के बाद हमें मिलने वाली है, खुदा दुश्मन के बिना वो दिन दिखाए। देखो बेटा, हमें इंतजार करना होगा, देखते हैं वक्त क्या फैसला सुनाता है। हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, समझी? होते रहे जलील, मुझे भी करते रहे जलील, कोई नहीं सुन रहा मेरी। अल्लाह।